Okay. Read the statement two times, then we will make the table. You know, in this chapter, we हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करते जिसमें टेबल ना बनाए. चाहे हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, चाहे हमें वैसे सॉल्व करना है. बाय टेबल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन. ओके, हियर द क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग वंस मोर. इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे दिख रही है कि वो डायरेक्टली है, और कौन कौन डायरेक्टली है, वाई स्क्वायर एंड एक्स. अंडरलाइन करो उनको. दो चीजें आपस में डायरेक्टली वेरी कर रही हैं. कौन कौन सी? एक्स एंड वाई स्क्वायर. इस सेक्शन क्विकली ओपन योर नोटबुक्स. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. सेक्शन ए बी क्वालिटी. ओपन योर नोटबुक्स. दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3. आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना क्योंकि आपको मॉड्यूल मिल जाएगा. यू कैन राइट डाउन ओनली आंसर्स बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड. क्वेश्चन इज, इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर. आपको ये पता चल गया कि एक्स और वाई स्क्वायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली हमारे माइंड में क्या आता है, रफ में अगर हम अपना माइंड को सोचना शुरू करें तो हमें ये पता चलता है कि एक्स अपॉन वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के कांस्टेंट. ओके, इसका डायरेक्टली वेरी का आपको लिख लेना चाहिए फॉर्मूला कि डायरेक्टली वेरी का मतलब है कि एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के. आपकी आवाज ना रेशो हैंड. हु अग्री कि यस डायरेक्टली है, अगर एक्स और वाई स्क्वायर डायरेक्टली है तो इसका ये मीनिंग होता है. रेशो हैंड. जिन जिनको पता है कि एक्स और वाई स्क्वायर अगर आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो उनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा. रेशो हैंड हु अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. यू नो वन थिंग, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने एक्स और वाई की बात की है कि एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. अगर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली करते हैं तो मेरे को एक ए से सिमरन प्लीज आगे आओ. अगर एक्स और वाई वेरी डायरेक्टली है तो उनका क्या रिलेशन होता है, क्या समझते हैं हम उससे? सिर्फ एक्स एंड वाई का बताओ. चलो ये क्वेश्चन अभी हम बाद में शुरू करते हैं. यस मैम. हाँ जी, अगर एक्स एंड वाई डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? दे आर इंटरेक्ट. दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. दे आर डायरेक्टली वेरिंग, इसका मतलब ये है ना, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. या तो दोनों इकट्ठे इंक्रीज कर रहे हैं या फिर दोनों इकट्ठे इंक्रीज कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि हमारा जो जब भी हम एक्स और वाई स्क्वायर की बात करते हैं, एक्स और वाई वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हम बोलेंगे कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के. पता है आपको? यस यस. किस किस को पता है, रात हाथ खड़े करो. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्स एंड वाई का मतलब क्या है कि एक्स वन बाय वाई वन, एक्स टू बाय वाई टू, एक्स थ्री बाय वाई थ्री, जितनी भी हमें वैल्यू दी होंगी वो सारे आपस में इक्वल होंगी. इसका मतलब ये होता है. बोलने में तो हम बोलते हैं एक्स एंड वाई, बट हमारा मीनिंग क्या है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं और वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल रेशियो में होंगी. समझते हो ये सारे आप? एवरीबडी अंडरस्टैंड? रेज योर हैंड. क्या ये चीज समझ आती है आपको कि जब हम एक्स और वाई की बात करते हैं इसका मतलब कि एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री बाय वाई थ्री इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट. सबका यही आंसर आता है, सेम आंसर आता है जब हम उनको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं. इस क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई के बारे में नहीं बताया हुआ. इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई स्क्वायर आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं.
इससे आपको क्या समझ आती है, एक्स एंड वाई स्क्वायर डायरेक्टली मेरी कर रही हूँ, क्या लिखना चाहिए मेरे को रेशियो के फॉर्म में, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? एट बी मैक, पर जल्दी जल्दी आगे आओ जी, मेरे को, मैं बुला रही हूँ। वेरी गुड, और फास्ट फूड क्या हो? एक्स एंड वाई स्क्वायर, आप ये समझो कि एक्स की कोई भी वैल्यू है, वाई स्क्वायर कोई भी वैल्यू है, वो आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी राइट हियर, रेशियो की फॉर्म में क्या लिखें? मैंने आपने पिछली क्लासेस अटेंड की है बेटा? नो मैम। ओके, प्लीज नोट डाउन द थिंग्स जो हमने पीछे की है, ठीक है? कोई डाउट होगा यू कैन स्टैंड एंड आस्क। ओके सिट डाउन बेटा। वंशिका एट बी, वंशिका प्लीज आगे आओ। पाल पाल, मैम यस। आपने क्लासेस अटेंड की है पिछली? मैम यस। ओके, मैंने आपको बोला कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के होगा, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई स्क्वायर आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? रेशियो की फॉर्म में क्या लिखूं मैं? एट बी से कौन आ रहा है आगे बताने के लिए? वंशिका ओके से डाउन इफ यू डोंट नो। ओके, एट सी से साक्षी, शी इज एब्सेंट मैम। ओके हु इज सिटिंग नियर द माइक एट सी में? आप बता दो, बता दो। वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। हाँ जी, एक्स अपॉन क्या लिखना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से? अगर हम यहाँ पे इसका आंसर शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन क्वाड वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर यस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। वेरी गुड सिद्धांत, जिस जो भी दो चीजें हमें डायरेक्टली दी हुई है उनका रेशियो, रेशियो समझते हो आप, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, अब यहाँ भी आपको वैल्यू दी हुई है एक्स इज इक्वल टू, अभी आपको टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। ओके, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और वो उसके बदले में हमें एक्स और वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा एक्स एंड वाई स्क्वायर। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर हम खुद निकालेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेड एक्स इज इक्वल टू 4 व्हेन वाई इज इक्वल टू 5, व्हाट शुड आई राइट हियर इन वाई स्क्वायर कॉलम? फर्स्ट कंडीशन हमें ये दी हुई है कि अगर एक्स इज इक्वल टू 4 होगा तो वाई इज इक्वल टू 5 होगा, तो नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? वाई स्क्वायर के कॉलम मैम में 25। वेरी गुड 25। बी कॉन्फिडेंट, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया हुआ ये चैप्टर, कॉन्फिडेंट हो बताने में, गलत होगा तो इट्स ओके आई विल करेक्ट यू, बट बोलो। ओके, नाउ दे आर आस्किंग देन फाइंड एक्स लेट अस पुट क्वेश्चन मार्क हियर व्हेन वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 इसका मतलब वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? 225। ओके, आपको दिख रहा है ये आपके पास एक्स वन है, ये आपके पास एक्स टू है, ये वाई वाई वन है, ये वाई टू है, अपनी वैल्यूज लगाओ, ठीक है? एक्स अपॉन 4/25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स टू लिख लो या एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ओके, और ध्यान देना कि हमें एक्स निकालना है, वाई नहीं निकालना। फाइंड आउट जल्दी से, सबको पता ही कैसे निकलेगा, 225 × 4/25। वेरी गुड, डू योर ओन कैलकुलेशन एवरीबॉडी।
हाँ जी बेटा, सी सेक्शन से हाथ खड़ा हुआ है बच्चे का। यस बता दो। 36। थर्टी सिक्स, यस थर्टी सिक्स, यू नो 25, 9 25, तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है ये। अब आप सोचोगे कि ये तो एक्स टू निकाला है आपने, हमने तो एक्स निकालना था, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है। हम आंसर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 36। ये आपकी एमसीक्यू था ये क्वेश्चन बेटा। आपका जो मॉड्यूल मिलेगा तो आपकी ऑप्शन आ रही है बी, उसमें टिक मार्क कर लेना। नाउ यू कैन राइट डाउन बी हियर। आई होप एवरीबडी कैन सी द बोर्ड। क्लियर? जब आपको मॉड्यूल मिल जाएगा यू कैन रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ। अभी अंडरस्टैंड कर लो, जब मॉड्यूल मिलेगा एक बार दोबारा इसको करना अंडरस्टैंड करके। ओके फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, डिफरेंट था आपको, क्योंकि एक्स और वाई स्क्वायर का रिलेशन दिया हुआ था। लेकिन यू नो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। हमने स्पीड एंड टाइम का रिलेशन किया है, देन वर्कर्स एंड टाइम का रिलेशन किया है, बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं। किसी भी रियल लाइफ में आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे ओनली एक्स और वाई स्क्वायर का रिलेशन बता रहे हैं, तो हमने तो अपना फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली है, तो उसकी रेशियो हम बताएंगे आपस में कॉन्स्टेंट होगी। ओके एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ। आई एम राइटिंग हियर ओनली, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पहले आप सुन लो एक बार। 11 men कैन डिग 6 3/4 meter लॉन्ग ट्रेंच इन 1 day। ठीक है, 11 जो है मैन जो है वो काम करते हैं, डिग करते हैं, डिगिंग करते हैं। ठीक है, तो वो कितने दिन में डिगिंग करते हैं? एक दिन में कितना डिग करते हैं? 6 3/4 meter लॉन्ग ट्रेंच। ठीक है, जैसे वो बनाते हैं अपना, खोदते हैं उसको, खोद के जो है टनल बनाते हैं जो उसके लिए, जैसे दे आर डिगिंग, राइट? तो हम डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू, राइट डाउन द नंबर, करेक्ट नंबर होना चाहिए, सो दैट आप बाद में जब मैच करोगे यू विल कम टू नो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने मैन हैं एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेंच जो उन्होंने खोदी है वहां पे, मिट्टी खोद के जो ट्रेंच बनाई है उसकी लेंथ कितनी है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम अकेला लेंथ भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इज रिलेशन गिवन, 11 men कैन डू 6 3/4 meter, 6 3/4 meter मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ध्यान से नोट करना। 6 3/4 meter, हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 meter लॉन्ग ट्रेंच? 27 meter, ये 27 meter है और ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बात हो रही है कि 11 men कितनी लेंथ जो है वो डिग करेंगे। तो आपको लगता है कि ज्यादा मैन जो है वो ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा डिगिंग कर पाएंगे, और कम मैन जो होंगे वो कम काम करेंगे? आपको लगता है कि ये डायरेक्ट है? सोचो जरा थोड़ा सा। ज्यादा बंदे अगर काम करेंगे, मोर मैन अगर काम कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, तो क्या वो ज्यादा काम कर पाएंगे? यस रेज योर हैंड। ज्यादा लोग ज्यादा काम कर सकते हैं ना, रेज योर हैंड। हु से यस डायरेक्टली, दिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस गुड गुड, सोच के हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। ओके गुड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यू कैन राइट डाउन द रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनको थोड़ा दूर लिखना क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज ना करे, और डायरेक्ट को अंडरलाइन कर लो, आपका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो आप निकालना शुरू करो इसको, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट डूइंग। और बैठ के कोई आंसर नहीं बताएगा, आई विल कॉल द नेम्स। यस सी सेक्शन से बच्चे आपने पहले भी बताया था, वेट फॉर अदर चिल्ड्रन, सबको करने तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
इट इज एक्सैक्टली सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट का एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन. डू इट योर सेल्फ. ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, थोड़े से आप ट्रांसपोजिशन वाले हैं, लीनियर इक्वेशन टाइप है. अपने आप सॉल्व करो, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा. जिन्होंने कर लिया एक बार दोबारा चेक करो, कैलकुलेशन टू टू टाइम चेक करो. दिस इज एमसीक्यू, आई विल टेल यू आंसर. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो. आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सिक्स में सेवन्थ में किया था, उसके बाद उसको यूज करो. वेरी गुड, आई कैन सी रेज योर हैंड हू हैव डन. गुड गुड, वेरी गुड. डी सेक्शन से हाथ खड़ा कर रही है. दैट गर्ल कैन कम फॉरवर्ड. यस. ऑन द विंडो साइड दैट गर्ल वाज रेजिंग हर हैंड. थर्ड बेंच है या फोर्थ बेंच है? आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था. हाँ जी बेटे, यस आ जाओ. मैम 44 मीटर मैम, एक्सेलेंट. नो, 44 मेन. सॉरी We are finding men. So I'm writing here men is equal to 44. This is perfect answer. बिल्कुल ठीक है बेटा. Take care. आप एक यूनिट नहीं लिखनी इसके साथ. यूनिट लिखोगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. वेरी गुड. जो बच्चे कर रही है करते रहो, रुकना नहीं है. ठीक है, रीच रीच द एंड ऑफ द आंसर. ये नहीं कि आंसर पता चल गया तो छोड़ो. अभी मेहनत तो आपने ही करनी है. अल्टीमेटली आज करोगे या कल करोगे या एग्जाम में करोगे, करना तो खुद ही पड़ेगा आपको. कीप गोइंग. वेरी गुड. ये आपका नेक्स्ट वाला कोई केस स्टडी क्वेश्चन है? केस स्टडी क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, फिर आप मॉड्यूल से बाद में रीड कर लेना. किनका निकल गया 44? रेज योर हैंड नाउ. यस, वेरी गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड. बेटा आपको डायरेक्ट का क्वेश्चन समझ आ चुका है. ओके okay? और रट्टा नहीं लगाना कि जिसमें हेक्स निकालना होता है उसमें हम डायरेक्ट लगाते हैं. कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं. तो मैंने देखा जो जो चिल्ड्रन हु आर नॉट हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन ना, दे अंडरस्टैंड कि अच्छा हेक्स निकालना था तो इसलिए डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया. नो, डोंट थिंक इन दैट वे कि एक्स निकालना है या वाई निकालना है. थिंक ऑफ दैट वे कि हमको दोनों चीजों का रिलेशन क्या है आपस में. इमेजिन करो उसको, फिर सोचो कि दोनों इकट्ठे इंक्रीज हो रहे हैं, इकट्ठे डिक्रीज हो रहे हैं. राइट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू थिंक, हाउ टू विजुअलाइज द क्वेश्चन, वैसे ही आपने करना है. अगर उसको स्किप करके आप आगे जाने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट, यू माइट फाइंड इट रॉन्ग. हो सकता है कभी कभी ठीक हो जाए, लेकिन हमेशा ठीक नहीं हो सकता अगर आप प्रॉपर स्टेप से नहीं चलते हो. ओके, नेक्स्ट इज बेटा केस स्टडी क्वेश्चन है. केस स्टडी में आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि यहाँ पे स्टोरी क्या है. ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे. क्वेश्चन इज कि देर आर स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने पोस्टर बनाए. बनाते हो आप भी स्कूल में पोस्टर? कोई आपकी जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, एनवायरमेंटल डे होता है या ट्री प्लांटेशन का होता है, अर्थ डे होता है, इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, उनके पोस्टर्स बनाते हैं ना हम कभी कभी एग्जीबिशन के लिए स्कूल में या फिर क्लास डेकोरेशन के लिए बनाते हो. ठीक है, तो केस स्टडी में बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पोस्टर्स बनाए, दे वांट टू सेल इट. उन्होंने लगा कि हमने जो पोस्टर बनाए हैं उनको बेच के हम वी विल कलेक्ट द मनी. राइट, तो वो रिलेशन दिया हुआ है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पोस्टर्स, राइट, ये टेबल की फॉर्म में मैं आपको लिखाऊंगी केस स्टडी में. एक आपकी बात हो रही है कि मनी, कितनी मनी आपको मिलेगी इन रुपीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लो. और दूसरी चीज बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्टर्स, नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड, कि कितने पोस्टर्स बेचे और कितनी मनी गेन की आपने. ये रिलेशन है दोनों के बीच में. तो आपको लगता है कि ज्यादा पोस्टर बेचेंगे तो ज्यादा मनी मिलेगी, कम पोस्टर होंगे तो कम मनी मिलेगी.
लगता है आपको ऐसा ही होगा, जिनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यस कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, रेज योर हैंड। यस यस गुड गुड वेरी गुड। ठीक है, तो राइट डाउन नाउ, मनी इन रुपीज है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिलेशन दिया हुआ है 250, 250 एंड मेक डाउन द टेबल हियर। 250 रुपीज आपको मिलेंगे जब 60 पोस्टर्स आप बेचोगे। दे आर आस्किंग हाउ मच मनी यू विल गेट अगर आप 102 पोस्टर्स सेल करोगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन की बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज है। तो ए पार्ट आपको क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग हियर ओनली, ए पार्ट में दे आर आस्किंग हाउ मच मनी, दे आर आस्किंग। तो हाउ मच मनी के लिए हमने इसमें एक्स वाई की बात नहीं की है, इसलिए एक्स वाई को रट्टा नहीं लगाना। एक्स निकालना है तो डायरेक्ट होगा, या वाई निकालना है तो डायरेक्ट होगा। आपको ये देखना है कि वो डायरेक्टली दोनों इन चीजें इंक्रीज हो रही है, मनी इंक्रीज हो रही है, पोस्टल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मनी भी इंक्रीज हो रही है। कम पोस्टल सेल करोगे तो मनी भी लेस मिलेगी आपको, तो इसलिए ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे क्विकली आप अपनी रेशियो लिख सकते हो, 250/60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 102। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप में स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, X1 Y1 वाला, क्योंकि आपको अब समझ आ चुकी है। राइट, प्लीज स्टार्ट डूइंग। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आप कॉन्फिडेंट होते रहोगे। ओके, दिस चैप्टर विल बी नाइसली डन हियर ओनली विद अस। बाद में जब मॉड्यूल करोगे तो आप खुद करना वो सारे क्वेश्चंस। यस, 8D सेक्शन, शरण दीप आई विल कॉल यू। कर लो, करो जल्दी से, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। किसी से देखना नहीं, अपना करो। आई कैन सी फ्यू हैंड्स, कई बच्चों ने कर भी लिया हुआ है। गुड, करने तो बाकी है वो। ओके, आई विल कॉल यू, बेटा डी सेक्शन से हाथ खड़ा हो रहा है, 2 मिनट रुको। यस मम्मी यस बताओगे बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? अभी निकालना ओके कर लो। मैम 425। हाँ 425 आ रहा है। अभी शरणदीप मेरे को बताएगा करके, ही इज स्टिल डूइंग। हाथ नीचे कर लो, 425 इज करेक्ट आंसर। जिनका 425 आ रहा है रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग। मैं वेट कर रही हूँ आपकी। यस, हैंड्स डाउन, आई एम वेटिंग फॉर अदर चिल्ड्रन नाउ। गुड, सबका निकलना चाहिए तभी मजा आएगा ना, देन ओनली आई कम टू नो कि आपको समझ आ रही है। ओके ओके, न्यू हैंड्स, यस हैंड्स डाउन, यस गुड गुड। आई एम वेटिंग फॉर शरणदीप ऑल्सो। जब तक तो शरणदीप यस नहीं बोलेगा हम आगे नहीं चलेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन उसके लिए था एक्चुअली, है ना। और शरणदीप किसी से कॉपी नहीं करेगा, इज फाइंडिंग हिमसेल्फ। इसके बेटे एबीसी दो तीन पार्ट है, इसलिए मैं टेबल इधर ही रख रही हूँ ताकि आपको यू कैन यूज द टर्म्स। एक्स की वैल्यू 425 आ रही है। शरणदीप हैव यू फाउंड? न्यू चिल्ड्रन जिन्होंने हाथ अभी तक नहीं खड़े किए थे, क्या उनका निकल गया है? हाथ खड़े करो। और जो बच्चों ने निकाला है अभी, क्या वो 425 चीज आया आपके पास? मनी मनी, दिस इज रुपीज, राइट? रुपी। जब आपने फाइनल आंसर लिखना है तो उसको प्रॉपर यूनिट के साथ आंसर देना है। ओके, बी पार्ट है इसका। कुड शी अंजुस क्लास रेज एग्जैक्टली ₹2,000? इफ सो हाउ मेनी पोस्टर्स वुड दे नीड टू सेल अगर उनको ₹2,000 चाहिए तो? ठीक है, बी पार्ट के लिए आपका एक नया टेबल बनेगा, मैं इसके ऊपर ही बना रही हूँ, आपको प्रीवियस टेबल भी दिख रहा है।
न्यू टेबल में दे आर आस्किंग कि अगर उनको अपनी मनी को, यहाँ पे मनी है, नीचे पोस्टर्स हैं, राइट। बिगनिंग में तो उन्होंने बताया कि 250 मनी, ₹250 विल बी गेन्ड अगर वो 60 पोस्टर्स सेल करते हैं। नाउ दे आर आस्किंग कि अगर उनको ₹2,000 चाहिए, हाउ मेनी पोस्टर्स दे शुड सेल। सी नाउ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मार्क अभी नीचे आ गया है। अब नीचे वो ट्रांसफर हो गया क्वेश्चन मार्क, क्या अभी इनडायरेक्ट बन जाएगा वो या डायरेक्ट ही रहेगा? क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जिनको लगता है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट ही है, पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, हाथ खड़ा करो। यस यस, आपको पता है स्टोरी तो सेम ही है, स्टोरी तो चेंज नहीं हुई ना। नाउ दे जस्ट आस्किंग कि आपको ज्यादा मनी चाहिए तो आपको पोस्टर भी ज्यादा बेचने पड़ेंगे, राइट। तो हमने फॉर्मूला तो वही लगाना है, 250 by 60 इज इक्वल टू 2000 by क्वेश्चन मार्क, दैट इज वाई। वाई अभी अननोन है आपके पास, क्योंकि आप इसको एक्सपोज कर रहे हो, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, वाई एक्सपोज करते हो हमेशा। जी सेक्शन, नितिन आई विल कॉल यू, आंसर निकालो, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे। ₹2,000 बड़ा नंबर है, यस इजी भी है बिकॉज इसमें जीरो ज्यादा आ रही है। हाँ जी नितिन, मैं बताऊँ यस बेटा, बताओ आंसर। एम 480 पोस्टर्स। 480 पोस्टर्स। नितिन यू आर स्पीकिंग, यस ओके, 480 इज करेक्ट आंसर। ये भी क्रॉस पर डिवाइड करना था सिंपली, यू नो सबने क्रॉस पर डिवाइड करना था। 250 into y इज इक्वल टू 2000 into 60, तो y will be equal to 480 पोस्टर्स। कोई यूनिट इसके साथ नहीं आएगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, राइट। सी पार्ट, इसका एक सी पार्ट भी है। दे आर आस्किंग, उनको लग रहा है कि अगर हमें 2000 के बदले में 2300 चाहिए हो तो कितने पोस्टर्स बेचने पड़ेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको 2300 चाहिए रुपीज, तो वो चाहिए तो उनको थोड़े से और पोस्टर्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो। यू आर प्रैक्टिसिंग योर कैलकुलेशन एंड बिकमिंग मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। नीचे वाली वैल्यू निकालनी है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया वाई, जो अननोन चीज है उसको हमने वाई लिख दिया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था। ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन में तो वाई है नहीं है, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज एक्स है और नीचे वाली हमारी सारी वाई है, ओके। ई सेक्शन, हुसैन अली, हुसैन आई विल कॉल यू, कर रही हो तो करते रहो, कम इन अ मिनट, फास्ट करो थोड़ा सा। यस आई कैन सी हैंड, जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं दे कैन मैच देयर आंसर, जब तक ये अली हुसैन अपना आंसर बताएगा। जी सेक्शन से दैट बॉय इज रेजिंग हिज हैंड अगेन एंड अगेन, मैंने आपको बुलाया नहीं, ओके आगे बेटा थर्ड बेंच। यस यू वांट टू टेल, बाकी बच्चे करते रहो प्लीज, डोंट स्टॉप योर पेन। मैम 552 पोस्टर्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। किस किस का निकल गया अभी, बच्चे कर रहे हैं कहीं जिनका निकलता जा रहा है, दे कैन टेल मी बाय रेजिंग देयर हैंड्स, आई विल सी देम। 552 पोस्टर्स, आपको दिख रहा है कि पहले 480 पोस्टर्स थे,
और अभी हमारे पास पोस्टर्स इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि मनी भी इंक्रीज हो गई है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कटिंग में टाइम लगता है, जब आप लोएस्ट हमने करते हो ना, चाहे उसको डिवाइड करो, कोई टेबल के बारे में सोचो कौन सा जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। 552 इज करेक्ट आंसर, 552 नो यूनिट। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पोस्टर्स। जो बच्चे कर रहे हैं अभी करते जाओ, जितना टाइम आई राइट न्यू क्वेश्चन, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितनी प्रैक्टिस अभी करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि साथ साथ आप मैच कर रहे हो आंसर्स आपके अपने, ठीक है। इसमें आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, राइट, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो टेबल में यहाँ पे बना रही हूँ, यू कैन कॉपी इट और साथ में करना शुरू कर दो। वेट, मैं थोड़ा सा विनती करती हूँ। किस किस का निकल चुके हैं? 552, प्लीज रेज योर हैंड। अब तक तो काफी का निकल आया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, यू हैव डन वेल। अपने आप आपने कैलकुलेशन की है अपनी, सो गुड। जब आपका आंसर करेक्ट होता है कितनी खुशी मिलती है ना। प्लीज राइट डाउन बेटा, ये टेबल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आगे, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू है आपके पास, और आपको कभी कभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, कभी वाई की वैल्यू निकालनी है। आई एम राइटिंग हियर, बट आपको कंडीशन दी हुई है कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, कंडीशन दी हुई है ये आपको, इसलिए आपको सोच के फॉर्मूला लगाना है एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। तो आपको ना सुन सुन के और देख देख के स्टेटमेंट को पता चल गया होगा कि वेरीज एज वाई मतलब जैसे जैसे वाई चेंज होगा एक्स भी चेंज होगा, राइट। फर्स्ट वैल्यू आपको दी हुई है 2.5, टेक केयर, यहाँ पे डेसिमल है एंड फाइव। देन इट इज गिवन डैश बाय 8, देन इट इज गिवन डैश बाय 12, देन इट इज 15 बाय डैश। ओके, आपको दिया हुआ है दे आर वेरिंग डायरेक्टली, सबको पता है क्या फॉर्मूला लगाना है। वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग, आई विल कॉल द नेम्स, अपना अपना करो सारे। थ्री ब्लैंक्स है, थ्री नंबर का क्वेश्चन है ये। इफ यू वॉन्ट फुल 3 मार्क्स डू इट सीरियसली। ऑन योर ओन अपने आप करो, आई डोंट थिंक किसी को बताने या पूछने की जरूरत है, बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने। दिस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, रिमेंबर इट, वेरी गुड, डू इट योर सेल्फ। आई एम नॉट राइटिंग एनी हियर एनी एनीथिंग ओवर हियर कि कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है अभी गिटारा की है तो हम क्या करते हैं। डोंट मैच द आंसर्स, मैं आंसर्स यहाँ पे लिखूंगी, यू चेक योर कैलकुलेशन 2 टाइम्स जैसे एग्जाम में करते हो। यू नो जब आपका आंसर ठीक आता है अपने आप आपके फेस पे स्माइल आ जाती है कि वाओ आई हैव डन, होता है ना ऐसा। एक्सक्यूज मी मैम, एकदम द आंसर्स आर 4, 6 एंड 30। आई एम नॉट आस्किंग, प्लीज वेट, सबको करने दो। यू नो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना आंसर जिनका कुछ और आ रहा होगा, उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, सबको करने दो अपना अपना। आई एम राइटिंग आंसर्स, देन यू कैन मैच इट। कई बच्चे अभी कर रहे हैं, सी सेक्शन, मंजोत, सेमी फर्स्ट एब्सेंट। एब्सेंट, ओके, ए सेक्शन, खुशाल, खुशाल है, खुशांत है,
ए सेक्शन से तेजस्वी, ओके तेजस्वी प्लीज कम, ए से ए सेक्शन, टेल मी फर्स्ट प्लैंक, और मेरे को मेथड भी बताना क्या किया आपने, ओके हाँ जी। फोर, फोर हाउ डिड यू डू, कैसे निकाला फोर? आपने अपने आप किया बेटा, प्लीज यस टेल मी देन कैसे निकला। ओके क्या कैलकुलेशन किया आपने? ओके आंसर आपका ठीक है, सिट डाउन, यू शुड एक्सप्लेन मी हाउ हैव यू डन। सी सेक्शन, सहज, यू कैन ब्रिंग योर नोटबुक बेटा, अगर रीजन आपने बताना है कि कैसे निकला, अपनी नोटबुक लेके आओ, सी हाउ हैव यू कैलकुलेटेड। हाँ जी आपको क्या आंसर आ रहा है बेटा? सहज, नहीं निकाला आपने, यस और नो? ओके गो बैक, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, डोंट कीप सिटिंग। बी सेक्शन, रमन प्लीज, जो बच्चे मुझे आंसर नहीं बता पा रहे हैं उनको पूछना चाहिए खड़े होके। रमन मैम हैव यू फाउंड? एफ अरे आर जी की क्या बता रहे हो, आंसर निकाला बेटे आपने? टर्न बैठो, नहीं आ रही। अरे मैम एफ आर जी की नहीं टर्न आ रही। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वैल्यू नहीं निकाली है इसका मतलब उनको नहीं आ रहा है। किस किसने कर लिया फोर आंसर, रेज योर हैंड, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने कर लिया है जिन्होंने फोर आंसर निकाल लिया फर्स्ट वाले ब्लैंक का। गुड, हैव यू फाउंड इन दिस वे? सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यू है उसका आपने निकाल लिया, आंसर क्या आ रहा है? 2.5 by 5 इज इक्वल टू डैश बाय 8। क्या आपने इसी मेथड से निकाला है जिन्होंने फोर निकाला है? बात करी करो, क्या आपने यही मेथड लगाया है? यस यस यही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स अपॉन वाई हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, तो वही चीज हमने यूज करनी है। ओके सेकंड ब्लैंक, सेकंड वन, अगेन वी विल डू 2.5 by 5 क्योंकि वो डायरेक्ट में है, इज इक्वल टू x/12। एक्स इज इक्वल टू 6 किसका आ रहा है? रेज योर हैंड, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के हमने। एक्स इज इक्वल टू 6 किसका आ रहा है? गुड, वेरी गुड, ए सेक्शन अभी कर रहे हैं स्टूडेंट, जी ऑल्सो, एफ ऑल्सो, रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग हु हैव फाउंड 6। ओके हैंड डाउन बेटा, हैंड डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, आपको दिया होता है और मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी होती है। किसी को कोई डाउट है यदि का स्टैंड एंड आस्क मी। ओके नेक्स्ट वन इज, आपको पता है कि वो डायरेक्टली है तो हमारा फर्स्ट नंबर तो सेम ही आएगा, 2.5 by 5 इज इक्वल टू 15 by y। यू नो बेटा ये स्टेप लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बिना नहीं चलेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। हम सेकंड पार्ट को भी थर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को किससे कर सकते हैं? हम सेकंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। यस कर सकते हो, कर सकते हो, दे ऑल ऑल आर डायरेक्टली,
इफ यू वॉन्ट टू डू, आपने यहाँ पे क्या निकाला, 6/12 निकाला ना, 6/12 इज इक्वल टू 15/y. यू वॉन्ट टू डू इन दिस वे, इसके बदले में आप ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकती हो क्योंकि वो डायरेक्टली है ओके मैम, ना. और सेकंड सेकंड निकाल लिया तो सेकंड और थर्ड को कर लो, थर्ड निकाल लिया तो थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर लो. जरूरी नहीं कि हमेशा वो फर्स्ट वाले पे ही जाना है आपने, ये सारे आपस में डायरेक्टली हैं, यूज करो उनका सेम आंसर आएगा. 6/12 इज इक्वल टू 15/ डैश. वाई की क्या वैल्यू आ रही है, किसने निकाली है? यस ए सेक्शन फर्स्ट गर्ल 30. हम 30। वेरी गुड, वाई इज इक्वल टू 30. अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि डायरेक्टली है तो वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, चाहे हम इसको लें चाहे इसको, सेकेंड को चाहे थर्ड को, चाहे आप यहाँ पे 10 वैल्यूज निकाल लो, 10 आपको ब्लैंक दिए हुए हैं, देन ऑल्सो देयर रेशियो विल बी सेम. कोई भी दो को इक्वेट कर दो और आंसर निकाल लो. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हो सकता है आपको 4 ब्लैंक्स आ जाए, कभी 2 ब्लैंक्स आ सकते हैं, कभी 3 ब्लैंक्स आ सकते हैं, मार्केट. ओके बेटा, योर टाइम इज गोइंग टू अप. किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट टाइम हम असर्शन रीजन और एक मैचिंग वाला करेंगे. आई होप आपको तब तक मॉड्यूल मिल जाएगा, नहीं तो यू विल डू इट लाइक दिस. आपको समझ आ रहे हैं ये क्वेश्चंस ना जो हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? यू आर अंडरस्टैंडिंग? वेरी यस गुड. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल है वो, फिल इन द ब्लैंक्स है. जस्ट इट इज सब्जेक्टिव में ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो क्वेश्चन है, यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई टेबल नहीं है इसमें, सिर्फ पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर. Then, B is proportional to dash. तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है. आपके स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आपने किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो. आपने स्क्वायर रूट का चैप्टर किया था, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट लगेगा. यू कैन राइट डाउन इफ ए इज प्रोपोर्शनल. अब आपको ये साइन के बारे में पता है, क्या मतलब होता है इस साइन का, क्या बताया था मैंने? प्रोपोर्शनल, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, देन बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कोई बताना चाहता है मेरे को? किसी को समझ आ रही है? स्क्वायर रूट के चैप्टर के बारे में सोचो, क्या होता है वहां पे जब हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाती हूँ स्क्वायर रूट का चैप्टर, फिर आपको समझ आएगा. स्क्वायर रूट के चैप्टर में अगर आपको याद होगा, आपने ऐसे किया था कि अगर आपके पास एक्स इज इक्वल टू 25 है, तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आप करते हो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25. करते हो ऐसे, याद है आपको, ऐसे करते थे आप, और फिर आप आंसर लिखते हो इसका इज इक्वल टू 5 × 5, और फिर आप लिखते थे एक्स इज इक्वल टू 5. स्क्वायर रूट का चैप्टर आपने किया हुआ है ना, ये कंसेप्ट याद है आपको? ऐसे करते थे, अगर एक्स स्क्वायर आपको 25 दिया हुआ है, तो एक्स आपके पास जो होगा इसका जो स्क्वायर होगा उधर ट्रांसफर होके स्क्वायर रूट का साइन बन जाता है. और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. सबको पता है, फर्स्ट टर्म में आपने किया था स्क्वायर रूट का चैप्टर. अगर ये चीज आपको याद आ रही है तो फिर तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा. एनी एनी डाउट इन दिस थिंग? किस किस को याद आ रही है कि हम ऐसे करते हैं? स्क्वायर रूट का साइन कहाँ से आता है? वो एक्स स्क्वायर जो इधर वाला होता है वो ट्रांसपोज होके वो स्क्वायर रूट बन जाता है उधर जाके. और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है वैसे?
करो तो मतलब है 25 raised to power 1 by 3। आंसर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए। आंसर तो बता दिया आपने, आंसर बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। यस, पर आपको समझ आया ये चीज सबको रिकॉल हो रही है, हाथ खड़ी करो पहले तो, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। यस, आपको याद आ रही है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। ओके, सेकेंड लाइन, क्योंकि 3 लाइन है, फटाफट इनके आंसर तो लिख लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी जब आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। पी इज प्रोपोर्शनल टू √1/√2, देन क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/p² और 1/p² कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे यहाँ पे ब्लैंक में लिख सकते हो। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया है स्क्वायर रूट वाला। इसको एक बार रिवाइज करना घर जाके स्क्वायर रूट वाला चैप्टर देख के, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। थर्ड ब्रैकेट, इफ एम इज प्रोपोर्शनल टू n 1/3। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं प्रोपोर्शनल बोल रही हूँ। ठीक है, n रेज़ टू पावर 1/3, तो n विल बी प्रोपोर्शनल टू m³। ये आपके ब्लैंक था, यहाँ पे ये भी ब्लैंक था, अंडरलाइन कर लो। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारी जो पावर, मैम ये 2 पावर है, तो उधर जाके एक्सक्यूज मी होगा। मैम, बोर्ड इज नॉट विजिबल मैम, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन विजिबल नहीं है, कैमरा ज्यादा इस साइड। जब यहाँ पे 2 पावर है तो उधर ट्रांसफर होके 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 पावर है तो उधर जाके 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए सॉल्व करने नहीं आपको आएंगे, सिर्फ फिलिंग की ब्लैंक्स के फॉर्म में आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करके उसकी पावर क्या बनेगी। ठीक है बेटा, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, दिस विल डू नेक्स्ट टाइम। थोड़े से आपके एक दो क्वेश्चन और मैथिंग एंड ऑल बचे हुए हैं, रिफ्रेशन भी कर दिए हैं, यू कैन डू नेक्स्ट टाइम। मॉड्यूल 2 में बचे हुए, मॉड्यूल 1 इज कंप्लीटेड। ओके, यू नेक्स्ट टाइम बेटा, स्क्रीन इज ऑन, कई बच्चे जो नोट कर रहे हैं दे कैन कंटिन्यू। किसी को डाउट है दे कैन स्टैंड एंड आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट।